जिस संबंधी गलबात करदे आ तजिंदर सिंह ने दसिया कि परमजीत सिंह पम्मा उसका जिगरी यार सी, पर जदों उसनों पता लगा कि तजिंदर ने 52 लाख रुपए की जगह वेची है अते उस कोल पैसे हन, ता परमजीत पम्मा जो कि अपने आप नूं कौंसलर दसदा सी अते उसे रिश्तेदारी विच भरा विक्रम सिंह रंधावा नाल मिल के एक NRI पार्टी की जमीन परते विच मिलन की गल आख के एक जाली बंदा कुलदीप सिंह नूं तैयार कर उस नाल 14,40,000 रुपए प्रति एकड़ दे हिसाब दे नाल 52 लाख दा सौदा कर नकद अते बैंक दे चेक राही 52 लाख दी ठगी मारी है। जिस संबंधी पुलिस शिकायत तो बाद बयाना झूठा पाए जान ते पुलिस वालों उन्हां उपर पर्चा दर्ज कीता, पर फिलहाल दोषी पुलिस दी पहुंच तो बाहर दसे जा रहे हैं। पर तजिंदर सिंह वालों इन्हां ठगा दी ठगी नूं मीडिया सामने रख के होर लोकां नूं इन्हां दी ठगी दा शिकार होण तों बचाउण दी गल आखी है। जमीन दे मालक विदेश रह रहे सन अते उन्हां नाल धोखाधड़ी करदिया 58 लाख रुपए लै लए। इस संबंधित थाना मजीठा रोड ते पुलिस वालों धोखाधड़ी दे दोषां दी धारा 420 तहत परमजीत सिंह, बिक्रमजीत सिंह ते कुलदीप सिंह खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सब तो पहला सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। मैं तजिंदरपाल सिंह मजीठे दा रहण वाला हाँ। यह मेरे माता जी गुरजीत कौर जी ने, मैं आप सब का सारे मीडिया का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि आप मेरे छोटे जे सद्दे ते पहुंचे हो। तो साढ़े नाल कुछ समा पहला एक ट्रैजडी हुई है, एक ठगी हुई है, ठीक है जी। मैं चाहना कि तुसीं साडी आवाज़ नूं लोकां तक पहुँचाओ ते साडी मदद करो, इस दुख दे समें दे विच साडा साथ दिओ, आप जी तो मैं आस करदा। मामला जी इदां आ जी, 2021 अगस्त दे विच मेरी खुद की जमीन है जिहड़ी, उहदा मैं बयाना कीता सी एक शख्स दे नाल, उत्थों मैनूं कुल 52 लाख रुपए आए बयाने वजों। 3 किले जमीन सी ते मजीठे दे एक शख्स प्रमोद कुमार ने बयाना किया जी। मैं उस तो बाद एक मेरा खुद नूं ज़्यादा दोस्त दसन वाला मजीठे दा एक काउंसलर परमजीत सिंह पम्मा प्रधान, जो कि एक झूठा नकाब पा के मेरा दोस्त बनया होया सी ते मेरी जमीन ते मेरे पैसों ते गलत निगाह रखता सी, पर मैं उहदे ते बहुत ज़्यादा विश्वास करता सी, ठीक है जी। हर काम दे विच मैं उहदी बहुत मदद की, काउंसलर बनने दे विच उहदी बहुत मदद की, दिन रात एक करके उहदे नाल मैं साथ दिंदा सी क्योंकि मैं उहनूं एक अपना वड्डा भरा समझदा सी। पर उस बंदे दे मन विच खोट सी, जदों मैनूं बयाने वजों पैसे आए 52 लाख रुपया, तां मैं अपनी जमीन तों वेच के अगे जमीन लैनी चाहुंदा सी वाई जोग, ठीक है जी। मेरी जमीन कमर्शियल प्रॉपर्टी सी रोड दे उत्ते, तां मैं जमीना वेखणियां शुरू कीतियां थां थां पिंडां दे विच। उस बंदे नूं जदों पता लगा तां उहदे मन विच शुरू तों लालच सी, उसने मैनूं कहा कि तैनूं इक जमीन दिवाउने आ जो कि बहुत वधिया वाई वाली जमीन है। उसकी मासी का मुंडा आ बिक्रमजीत सिंह रंधावा, जो कि जगावां रूपवाली पिंड का रहण वाला आ। बिक्रमजीत सिंह रंधावा पुत्र जसपाल सिंह, जगावां रूपवाली पिंड आ चविंडा देवी दे लागे, कत्थू नंगल दे लागे, ठीक है जी। इन्हां दोवां ने रल के साजिश की मैनूं ठगण वास्ते, ठीक है जी। इन्हां ने मैनूं जंडियाले दे लागे अते खडूर साहब दे लागे एक जमीन है पिंड रख दीनेवाल, उत्थे मैनूं इन्हां ने 14 किले ते उत्ते 6 कनाल जमीन दिखाई, मैनूं 14.5 किले करीब, ठीक है जी। मैनूं कहिंदे कि जमीन बहुत वधिया, जमीन दे जिहड़े मालक आ स्पेन च रहिंदे आ, इन्हां मैनूं स्पेन दस्सिया, हालांकि जमीन दे मालक इंग्लैंड च रह रहे आ, ठीक है जी। इन्हां मैनूं कहा कि जमीन दे जिहड़े मालक आ वो एक बयाना करके गए आ सुल्तान पिंड दे लागे बंदा रहिंदा आ कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह वासी महिंद्र एवेन्यू, ठीक है जी। उहदे नाल बयाना करके गए आ ते इहनूं असीं बयाने तों बयाना पवा दिंदे आ ते तेरी वधिया जमीन बन जाएगी। मेरा मन नहीं मन्निया क्योंकि हर बंदा थोड़ा बहुत कानून जानता, मैं कहा कि आपां इह रिस्क वाला काम ना करिए, जां तां मैनूं जिहड़े बाहर वाले बंदे सीधा बयाना कर देण ते जां मैनूं कोई उत्थों कोई पावर अटॉर्नी वगैरह किसे बंदे दे नाम भेजण, उह बंदा मैनूं बयाना करे, ठीक है। परमजीत सिंह पम्मे नूं मैं घर जाके उहदे गल कही, मैं कहा कि आपां ना लईए जमीन, मैनूं जमीन तां पसंद है पर मैनूं इह सौदा सही नहीं लग रिहा। परमजीत सिंह पम्मे ने मैनूं गल्लां दे विच वरगलाया क्योंकि मैं ते यकीन बहुत करदा सी, ठीक है जी। उहने मैनूं कहा कि इह मेरी जिम्मेवारी आ, जे तेरा कोई पैसों का नुकसान हुंदा मैं बैठा आ, ठीक है, मैं तेरा भरा आ, तू हुण बच्चों वाली गल्लां ना करया कर, गांह जिवें व्यापार करना तो व्यापार रिस्क लैके हुंदे आ। इदां दीआं गल्लां उहने मैनूं मिठियां मिठियां गल्लां करके अपनी गल्लां च फसा लिया। करीब अद्धा पौणा घंटा साडी बहस होई दोवां दी, मैं उहनूं कहिंदा सी कि आपां नहीं लैणी,
पर उन्हें मेरे ते दबाव पाया बहुत ज़्यादा। मैं इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल किया कि मेरी बेइज्जती कराएगा हूँ तू। असी अगले पासे गल की उदा तू मैनू अपना वड्डा भरा कहना आ हूँ तू भजन डे सौदे तो। उन्हें इदा मैनू प्रेसराइज करके तो मैनू वो अमृतसर लै आया सौदा करने वास्ते। ठीक है जी, उत्थे पहला तो ही एम के होटल के परमजीत पम्मे की मासी का मुंडा बिक्रम रंधावा कुलदीप सिंह वासी सुल्तानवेंट नूं लैके पहुँचाया सी। ठीक है जी, उत्थे इन्हां मेरा सौदा कराया। 2021 दे विच खेती कानूना करके कुछ रेट टुटे हुए सी जमीनां दे। इह कहिंदे कि कुलदीप सिंह ने जिहड़ी जमीन है वह 14 किले प्रति एकड़ के हिसाब नाल लैणी कीती होई आ ते 14 लख नूं, सॉरी माफ कर, 14 लख प्रति एकड़ के हिसाब नाल लैणी कीती आ ते उहदा जो थोड़ा बहुता मुनाफा उत्ते लएगा ते तैनूं आपां सौदा करा दिंदे आ। थोड़ी साडी उत्थे बारगेनिंग वगैरह होई ते कुलदीप सिंह ने 14,40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मैनू जमीन देने का वादा कर लिया। ठीक है जी, उतों उठ के, ठीक है जी, पैसे मैं नाल उस टाइम कैरी कर रहा सी। हाँ जी, कैश परमजीत ने मैनू कहा, कुछ कैश सी कुछ मेरे चैक सीगे। ठीक है, परमजीत ने मैनू कहा कि आपां अज सौदा करके आना है, क्योंकि उन्होंने लगता सी कि मैं हुण उहदियां गल्लां च नहीं आ रहा। उन्हें एकदम जिवें मैनू प्रैशर दे विच लिया के भी अज निकलना जाए उतों। ठीक है जी, मैं बेनती कर रहा जी। उस टाइम उस दिन दिया तरीकों के मेरे जो बैंक स्टेटमेंट है मैं आप जी को दिखा रहा। दस लख मैं कैश कढ़ाया जी उस दिन अपने बैंक अकाउंट चो, जो कि मेरा मजीठे पंजाब एंड सिंध बैंक के अकाउंट है। 10 लख कैश कढ़ाया, सेम डेट मैं आप जी को सारिया कॉपीज प्रोवाइड करा देंगे मीडिया को। हाँ जी, लो जी लो, ये मेरे बैंक की स्टेटमेंट है जी। ठीक है जी, 10 लख मैं कैश कढ़ाया। ठीक है जी, 16 लख का एक चैक कुलदीप सिंह नूं दिता, 7 लख का एक चैक कुलदीप सिंह नूं दिता, आप जी देख सकते हो। ठीक है जी, बाय नेम, हाँ जी बाय नेम चैक दिते उस दिन कुलदीप सिंह नूं। मैं पैसे दिते आ 16 ते 7 23 लख चैक वजों। ठीक है, 9 लख कैश लिया उन्हें मेरे को। ठीक है, 32 लख हो गया, 1 लख रुपया दलाली लई आ मेरे को बिक्रमजीत सिंह रंधावे ने, परमजीत सिंह पम्मे के मासी के मुंडे ने। ठीक है, उत्ते 13,000 रुपया वो मैं गूगल पे दे विच पाया, वो भी मैं आप जी ने प्रोवाइड करा देंगे कापी। ठीक है जी, टोटल वो आते दलाली बनती 2,13,000, 1,13,000 उस टाइम उन्हें मेरे को लै लिया। ठीक है जी, स्टेटमेंट है जी, ये वो अकाउंट पैसे गए हुए हैं, वो आप जी देख सकते हो। बाय नेम चेक दिते उस दिन कुलदीप सिंह नूं, मैं पैसे दिते आ 16 ते 7 23 लख चैक वजों। ठीक है, 9 लख कैश लिया उन्हें मेरे को। ठीक है, 32 लख हो गया, 1 लख रुपया दलाली लई आ मेरे को बिक्रमजीत सिंह रंधावे ने, परमजीत सिंह पम्मे के मासी के मुंडे ने। ठीक है, उत्ते 13,000 रुपया वो मैं गूगल पे दे विच पाया, वो भी मैं आप जी ने प्रोवाइड करा देंगा कापी। ठीक है जी, टोटल वो आते दलाली बनती 2,13,000, 1,13,000 उस टाइम उन्हें मेरे को लै लिया। ठीक है जी, स्टेटमेंट है जी, ये वो अकाउंट पैसे गए हुए हैं, वो आप जी देख सकते हो। आए उस सेम डेट न 16 लख भी ते 7 लख भी। ठीक है जी, ठीक है जी, इस तो बाद जी तरीक पाई हुई सी आप कि 6 महीनों किश्त देवे वो हिसाब न मेरे को आ बयाना किया जी उस दिन उन्होंने मेरे नाल। ठीक है जी, ये बयाना किया उन्होंने मेरे नाल 4 अक्तूबर 2021 नूं। मेरी जमीन का जिहड़ा मैं बेचनी की सी बयाने तो पूरे 2 महीने बाद। ठीक है जी, आ वेखो परमजीत सिंह पम्मे दे विच साइन होया जी, आप जी देख सकते हो, बिक्रम सिंह दे भी उहदी मासी दे पुत दे भी आ साइन होया जी विच गवाह वजों। राइट, ठीक है जी, उस दिन मेरा कुल 32 लख
ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਲਾਲੀ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ 2022 ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ 2022 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਇੱਕ 52 ਲੱਖ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਾਲੀ 53 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 54 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਮਾੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ BJP ਚਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਰਚਾ ਸਰ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਡੰਮੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਬਿਆਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ FIR ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ ਇਹ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ FIR ਜੀ IPC 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 420 465 467 468 471 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਠੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 53 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਠੱਗੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਫਰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਆਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ